देश में नकली नोटों के बढ़ते चलन पर चिंतित भारतीय रिजर्व बैंक ने आज जनता से अपील की है कि आप 1000 और 500 रुपए के नोट को अच्छी तरह से देख और जांच परख कर लें और पूरी तरह संतुष्ट हो जाएं तभी स्वीकार करें। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि ऐसी जानकारियां मिली हैं कि कुछ असामाजिक तत्व आम लेन देन में उच्च मूल्य के नकली नोटों का प्रसार कर रहे हैं, इसलिए लोग 1000 और 500 के नोटों को भली भांति जांच कर स्वीकार करें। आइए आपको बताते हैं कि 500 और 1000 रुपए के असली नकली नोट की पहचान कैसे की जाए। 500 और 1000 के नोट पर एक तरफ जहां गांधी जी की तस्वीर होती है, वहीं दूसरी तरफ खाली जगह होती है जिसे वाटरमार्क कहते हैं। नोट को लाइट में देखने पर आपको वाटरमार्क में गांधी जी की तस्वीर दिखेगी, साथ ही उसमें 500 और 1000 अंक दिखेगा। 500 और 1000 के नोट में गांधी जी की तस्वीर के दाईं तरफ एक पट्टी होती है जिसमें 500 और 1000 रुपए लिखा होता है। जब आप इसे थोड़ा टेढ़ा करेंगे तो आप आसानी से देख सकते हैं, जबकि नकली नोट में यह नहीं दिखेगा। 1000 और 500 के नोट पर गांधी जी की तस्वीर के बीच माइक्रो लेटरिंग होती है, इसमें बहुत छोटे अक्षर में 500 और RBI लिखा होगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क से भी असली नोट की पहचान की जा सकती है, जिसकी आकृति हर नोट पर अलग होती है। यह वाटरमार्क मार्क के पास होता है। 500 में यह मार्क आपको गोल आकार में दिखेगा, जबकि 1000 के नोट में यह डायमंड शेप में होता है। नोट के बीच में सिक्योरिटी थ्रेड होता है जो ऑप्टिकल वेरिएबल इंक से ही लिखा होता है, यानी नोट को सीधा करने पर हरा और तिरछा करने पर नीला रंग का दिखेगा। इस लाइन में हिंदी में RBI और भारत लिखा होता है। यह असली नोट की पहचान है। देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने में नकली करेंसी का बहुत बड़ा हाथ होता है, साथ ही आम लोगों को भी इससे काफी नुकसान उठाना पड़ता है। तो आप भी इन सभी बातों को ध्यान में रखकर असली और नकली नोटों की पहचान कर सकते हैं। देखते रहिए DB Live।